बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अजय, आई वाज रीडिंग कि पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी हैं, उसमें फूड डिलीवरी और फूड कंजम्पशन लोगों ने जिस पेस से बढ़ी हैं, ऑफकोर्स वेल्थ क्रिएट होगी, एएमसी और वेल्थ क्रिएटर्स, वेल्थ मैनेजर्स की ज़्यादा जरूरत होगी, ये सारे दूसरे ट्रेंड्स भी हैं, लेकिन जिस तरह से फूड कंजम्पशन, फूड डिलीवरी, इसका ट्रेंड लगातार चल रहा है, क्लियरली कई सारे QSR और Zomato जैसे स्टॉक्स को फायदा मिला। Zomato के ब्लॉक के बायर भी देखे आपने? एग्जैक्टली, यही आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट, कितने बढ़िया बायर्स और इनफैक्ट बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ऊपर के टारगेट और अब बायर्स इस लेवल पर भी, इसके क्या मतलब निकल रहे हैं? एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। बिल्कुल, चार्ट चेक ले लेते हैं कि Zomato के स्टॉक पर इन लेवल से भी क्या आपको बायर होना चाहिए, काफी चल चुका है लेकिन और कितनी बड़ी सर्ज जो रिपोर्ट्स बताती हैं, अभी तो फिलहाल 150 तक के टारगेट दिख रहे हैं। वैशाली, एक बार Zomato को चार्ट चेक करके बताएंगे। तो यस, आई थिंक द ट्रेंड इज इंटैक्ट, अपवर्ड मूव चालू ही है। आई थिंक 128-130 अगेन एक्स एज एन ईयर टर्म सपोर्ट, तो ये सपोर्ट को ध्यान रख के ये खरीदा जा सकता है इवन एट दीज लेवल्स, बिकॉज नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो आ रहे हैं वो 145-150 लेवल्स तो जरूर दिख रहे हैं, सो आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव बायर्स 128-130 के लेवल्स के सपोर्ट के साथ। ठीक है, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने कल काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया, या फिर मैं बोलूँगा जिन्होंने कल काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखाई, उसमें से एक शेयर था रेलवे काउंटर्स में से, RVNL, IRFC, IRCTC, जो हमने भी कल आपको दिया, इरकॉन, इस सभी शेयर अच्छे थे। कोई कपिल आप ऐसा शेयर्स देना चाहते हैं जो आज भी कंटिन्यू हो सकता है? RVNL, इरकॉन, IRCTC, ये कुछ एक शेयर थे। जी ये दिपेश, ये तीनों के तीनों स्टॉक में कल रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम आई थी और ये सारे के सारे स्टॉक्स और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लुकिंग एट एन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं जहाँ पे यहाँ पे देखता हूँ तो लगता है कि ये स्टॉक काफी स्ट्रेच हो गए, चलने के लिए चल सकते हैं, और इन सारे स्टॉक्स में जो हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नॉर्मली 2-3% के हम लेते हैं, तो यहाँ पे 2-3% का प्राइस का फ्लक्चुएशन इजिली नीचे में आ सकता है और वो स्टॉक आउट केस हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा कि जिसके पास ये स्टॉक्स होते हैं, फॉर्चुनेटली स्टॉक प्राइसेस ने काफी अच्छे मूव किए हुए बने रहे, लेकिन फ्रेश स्टॉक के लिए कहाँ ना कहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखने मिलनी चाहिए, जो मुझे यहाँ पे अभी इतनी नहीं दिखने मिल रही है, तो मैं कुछ और स्टॉक्स पिक करूंगा रेदर देन दिस।